दोस्तों, जिस तरह से क्रूजर बाइक का क्रेज लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है और भारतीय बाजार में क्रूजर बाइक ने अपना एक अलग पहचान बना लिया है, उसके देखते हुए हर एक कंपनी अपने ब्रांड में नए नए फीचर्स के साथ क्रूजर बाइक को लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं हंटर 350 और टीवीएस रोनिन के बीच में एक क्विक कंपैरिजन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हंटर 350 की बात करें तो ये BS6 सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ 4 स्ट्रोक 350 सीसी में आता है, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट 349.34 सीसी का होता है। वहीं टीवीएस रोनिन की बात करें दोस्तों, तो ये भी BS6 इंजन के साथ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक है और ये 250 सीसी का होता है दोस्तों, और इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 225.9 सीसी का है। अगर पावर की बात करें दोस्तों, तो 100 350 जो है वो 20.4 PS का पावर जनरेट करती है 6100 RPM पे। वहीं रोनिन जो है वो 20.4 PS का ये भी पावर जनरेट करती है, लेकिन 7750 RPM पे। अगर टॉर्क की बात करें दोस्तों, तो हंटर जो है 27 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन रोनिन जो है 19.93 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हंटर में आपको दोस्तों पावर और पिकअप दोनों ज्यादा बेहतर मिलने वाला है रोनिन से। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो दोनों में आपको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क ब्रेक आता है, और साथ ही साथ इसमें आपको दोनों में ही आपको सिंगल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों इंजन कूलिंग की बात की जाए, तो हंटर 350 में आपको एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों ऑप्शन मिलता है, लेकिन रोनिन में आपको सिर्फ ऑयल कूल्ड का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अगर माइलेज की बात की जाए दोस्तों, तो हंटर 350 जो कि माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 36.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है, वहीं रोनिन जो है वो 40.77 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। अगर प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो हंटर जो है वो 2 लाख से 2 लाख 5 हजार के बीच ऑन रोड आता है, ये सिटी वाइज टैक्स को लेकर वैरी कर सकता है। वहीं अगर रोनिन की बात की जाए दोस्तों, तो ये 1,80,000 से 1,95,000 के बीच ऑन रोड प्राइस आता है, और ये सिटी वाइज वेरी कर सकता है टैक्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अगर आप क्रूजर बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी बाइक परचेज कर सकते हैं, दोनों आपको बेहतर बाइक होने वाली है। अगर पावर और पिकअप की बात करें, तो यहाँ पर आपको हंटर 350 में आपको पावर पिकअप जो है वो बेहतर मिलता है रोनिन से, लेकिन अगर लुक की बात की जाए, तो थोड़ा सा लुक जो है रोनिन का जो है दोस्तों, वो आपको हंटर से बेहतर मिलेगा। तो अगर आप क्रूजर बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी बाइक ले सकते हैं। इन दोनों में से आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है दोस्तों, कमेंट करके हमें बताएं। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।